नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर में आप सभी का स्वागत। और बात करेंगे यहाँ प्रमुख सेविका भर्ती को लेकर। देखो, है कि इस समय ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि भर्ती रद्द हो जाएगी, स्टे लग गया है, कैंसिल हो जाएगी, ये है वो है, 500 तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर है। अब होता नहीं कि बात जब छोटी सी होती है तो उसको लोग कड़ा मतलब बहुत खींच खींच के बताते हैं, तो वही यहाँ पर भी चल रहा है। जैसे कि एक बार हुआ नहीं था कि लोग बोले कि सब लोग पत्थर बन रहे हैं, तो बोले कि जिसको फोन करो तो पत्थर बन गए क्या तुम्हारे गाँव पे? बोले नहीं, अभी गाँव नहीं बने, बगल वाले गाँव बन गए। दूसरे बगल वाले गांव जब किसी को फोन करो तो बोले नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं, बगल वाले में बने। तो जब जानकारी होती ना कि जो कोई अफवाह जब फैलती है तो फिर ऐसे ही फैलती है वो। और पूरे देखो ना कि वो भी अफवाह ऐसे फैली कि पूरे भारत में फैल गई तिनके, मतलब जरा से समय में, वैसे ये भी है। देखो, एक्चुअल में बात क्या है कि ये जो मैटर है, ये जो चल रहा है इस समय, ये जब भर्ती आई थी तभी से चल रहा है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी वर्कर थी कुछ प्रमोट हुई थी मुख्य सेविका के पद पर, वो करीब 126 लोग हैं, वही मैटर चल रहा था 126 वाला ही। क्योंकि ये था कि 126 जो उनके प्रमोट वाले पद हैं उनको भी इसी में जोड़ दिया गया, जो 26-93 पद निकाले गए भर्ती में, 126 पद उनके भी इसमें जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर भर्ती कंप्लीट होगी पूरी तो 126 लोग जो वो हैं तो वो तो बाहर हो ही जाएंगे ना बात, क्योंकि जब उनके पद इसमें जोड़े गए हैं, जाहिर सी बात है। तो ये मैटर शुरुआत से ही चल रहा था, तो वही मैटर है ये आगे। बाकी पूरी भर्ती को लेकर नहीं कि भर्ती स्टे लग गया, मतलब भर्ती पूरी कैंसिल हो जाएगी, पूरे पद ये वो, ये सब चीज़ें नहीं है, वो 126 पद के लिए ही है। अब देखो, कोर्ट कुछ ना कुछ सलूशन निकालेगा इनका, जो भी होगा, अभी फाइनल इसका आंसर आया नहीं। मतलब दूसरा, यहाँ पर देखो, जो ये रिट आपने देखी भी होगी, ठीक है, जो रिट घूम रही होगी, ये यही वाली है। तो इसको आप पढ़ोगे यहाँ पर तो पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है, सारा इंग्लिश में है। तो इस पे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यूपी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन, यूपी डबल एससी, मतलब बात करें यूपी डबल एससी, शैल नॉट बी डिक्लेयरिंग रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्शन हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मुख्य सेविका। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जब तक सोल्यूशन इसका नहीं निकल जा रहा तब तक अभी रिजल्ट मतलब डिक्लेयर नहीं होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये। तो देखो, इसका मतलब यही, अब वैसे भी आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी इतना तटस्थ है कि जो भी कोई भी रिट अगर लग जाती है, छोटी मोटी भी रिट अगर लग गई, तो जब तक उस रिट का सोल्यूशन निकल नहीं आता तब तक यूपी ट्रिपल एससी अपना काम आगे नहीं बढ़ाता है, मतलब वो रोके रखे रहता है। अभी देखो, लेखपाल का रिजल्ट था, पेपर कब हो गया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने पहले आपत्ति लगाई कुछ क्वेश्चन पे, मतलब बहुत सारी रिटें लगी। जब तक एक एक रिट खारिज जो नहीं होती गई तब तक उसने प्रोसेस आगे बढ़ाया नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक सारा चीज़ नहीं हो जाता है तब तक वो इशू नहीं करते हैं। तो ये भी है, मतलब ये पूरी भर्ती के लिए नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता भी है, मान लो कि कल को डिसीजन कुछ कोर्ट ऐसा दे भी दे कि चलो ठीक है इनको लिया जाएगा, तो 126 पद जाहिर सी बात है कि उसमें कम करे जाएंगे, फिर उसके हिसाब से करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे वो। मतलब इससे पूरी भर्ती में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो 126 लोग की बात है, जो भी होगा उसको ऊपर नीचे करेंगे, उनको फिर नहीं लेना होगा तो हटा ही देंगे। बाकी ये भर्ती 2693 की ये होगी होगी, इसको लेकर जरा परेशान हो कि रद्द वद्द होगी। दूसरा, वैसे भी क्या है ना कि तैयारी देखो क्या दूसरी भी आप करते रहो, इसको पकड़ के ना बैठो कि हम यही आखिरी उद्देश्य जीवन का है कि बस पेपर यही देना देना था, बस हो गया। क्योंकि होता नहीं कि भर्ती, आपको बताया कि प्रॉपर तरीके से भर्ती हो, पेपर हो, मतलब रिजल्ट आए तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा बहुत रेयर में देखने को मिलता है, समय लगा ही जाता है हर परीक्षा में जो है। तो वैसे यहाँ पर भी अभी बड़े पेच इसमें, अभी तो खैर ये शुरुआत हुई है अभी आंगनबाड़ी वर्कर्स से, अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर जब इसकी डीवी शुरू होगी तो इसके भी नए नए केस निकल के आएंगे, नई नई रिटर्न निकल के आएंगे अभी इसमें। अभी इसमें देखो एलिजिबिलिटी को लेकर मैटर है इसमें, कि कोई BSc, MSc, MA, BA ये सब चीज़ें भी दिक्कत करेंगी, तो वो लोग भी तो जाएंगे ना कोर्ट। देखो, कोर्ट क्या है ना कि भाई वो सबके लिए खुला है, अब उसमें ये तो है नहीं कि फलाने लोग आएंगे फलाने लोग आएंगे, सबके लिए है इसमें, तो कोई भी जा सकता है। तभी देखो ना कि हर भर्ती में दिक्कत यही हो जाती है कि जहाँ 10-20 लोग इकट्ठा कर लो चले जाओ कोर्ट सीधा, और इतना पैसा तो लगता नहीं कि यहाँ पर कि भाई लाखों रुपया लगता हो कोर्ट जाने में, रिट लगाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो इसलिए कहने लोग चले ही आते हैं। ये हर भर्ती के नियम बना लिए कि हर भर्ती फंसाने रहता है। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, अभी ये भर्ती एकदम से नहीं कि कल ही इसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, समय लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखो। दूसरा ये कि तैयारी दूसरी करते भी रहो, ठीक है, और इसको तो जो चीज़ें चल रही हैं। बाकी ये स्कूल के मैटर जरा परेशान हो, ये जो है वो एक तो आंगनबाड़ी वर्कर का वाला ही मैटर ये है, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि इसमें पूरी भर्ती कैंसिल होने वाली, ठीक है, तो इसको लेके जरा परेशान हो। बाकी कोई अपडेट रहेगी अथेंटिक। और दूसरा, कहने के दुख, बुद्ध जी ने कहा नहीं, महात्मा बुद्ध ने बोला है ना कि संसार में दुख है और दुख का एक कारण भी होता है, तो दुख का कारण मेन तो यह है यहाँ पर ये कि जो तुम लोग कुछ लोग देखते हैं ना ग्रुपों में, इतने ग्रुपों में जुड़े जुड़े हुए हैं, और ग्रुपों में क्या होता है दिन भर कुछ ना कुछ अफवाह फैलती रहती है, परेशानी की जड़ सबसे बड़ी वही है। दूसरे चुप्पे क्या, ग्रुपों को निकल के आ जाओ बाहर ग्रुप से, अपनी पढ़ाई घर करते रहो। कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है तो आयोग खुद ही अपने साइड पे देता है, ना कि ग्रुप पे पहले आती है, ठीक है, कोई भी ग्रुप पे नहीं आती जानकारी पहले भी, वो लोग जो भी ग्रुप में बताया जाता है वो सब कह के एज्यूम करते रहते पहले से ही चीज़ें कि क्या होने वाली क्या कैसे। बाकी
ऑथेंटिक कुछ रहेगा तो वो आयोग खुद ही अपने साइड पे देता है। तो इसलिए चुप पे अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है, कोई ऑथेंटिक जानकारी रहेगी तो हम खुद ही बताएंगे इसके बारे में। बाकी किसी प्रकार से कोई प्रश्न किसी को हो तो आप कमेंट करिएगा, तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।